नमस्कार, स्वागत है आपका डीपी की न्यूज में। और बड़ी खबर में मैं हूं आपके साथ अदिति। हरियाणा में सरकार द्वारा 3 दिन से खरीद बंद करने के बाद अब हरियाणा की मंडियों में गेहूं की भरमार है। खरीद फरोख्त ना होने के चलते किसान और आढ़ती परेशान हो रहे हैं। मंडियों में गेहूं की खरीद के पुख्ता प्रबंध नहीं है। देखिए रिपोर्ट। सरकारी अधिकारी ऑनलाइन और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर किसानों को तंग कर रहे हैं, जबकि किसान के गेहूं मंडी और खेतों में खुले आसमान में पड़ी है। थोड़ी सी बारिश में गेहूं मंडी और खेतों में भीग रही है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी गेहूं का मंडियों में से सिर्फ 30% तक ही उठान हुआ है। सरकार के गेहूँ खरीद, उठान और भुगतान के सभी दावे फेल साबित हो रहे हैं। हरियाणा सरकार ने कहा था कि 48 घंटे में गेहूं का उठान व 72 घंटे में भुगतान किया जाएगा, लेकिन ना ही 48 घंटे में गेहूं का उठान हुआ और ना ही गेहूं खरीद का भुगतान हुआ। ऐसे में सीधे लिए चलते हैं आपको जिंद के उचाना मंडी में, जहां किसानों और आढ़तियों से बात की हमारे संवाददाता सनीनाथ योगी ने। नमस्कार, स्वागत है आपका डीपी के न्यूज में। इस वक्त मैं उचाना मंडी के अंदर मौजूद हूँ। किसान लगातार अपनी फसल लेकर के मंडियों के अंदर पहुंच रहे हैं। लगातार जो किसान हैं अपनी फसल लेकर के मंडियों के अंदर पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहां पर फसल भी रखी हुई है। और हमारे साथ जो मंडी में मौजूद है, ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं किस प्रकार से कैसे फसल लेकर के किसान पहुँच रहे हैं, किस प्रकार से कैसे उठान हो रहा है और क्या क्या दिक्कतें आ रही है इनको, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार जी, कैसे किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, मतलब किसान वार्ता दे रहे हैं जी, और 12 तरह से हमारी कोई पेमेंट नहीं आई, कोई लिफ्टिंग नहीं हुई 12 तरह से, और बहुत बुरा हाल है, लिफ्टिंग बहुत कमज़ोर है। हाँ, सरकार से सरकार कह रही थी 72 घंटों के अंदर पेमेंट आ जाएगी ना, वो सब बातें अधूरी रह गई है। 72 घंटे में हमारा 12 तारीख का कोई भी माल का लिफ्टिंग नहीं हुआ, कोई पेमेंट नहीं आई, सब जमींदार तंग है। आज 1 हफ्ते में 1 गांठ मिली है, 10 दिन माल दुकान में खुला पड़ा है। मंडियों के अंदर उठान किस प्रकार हो रही है? बहुत धीमी गति से हो रहा है। मनमर्जी चला वो काट रहे हैं इंडियन। हाँ, मतलब किस प्रकार की कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? बैठे हैं हम, क्या करें, हम सरकार की हमारी को सुनता नहीं, बगैर सुने हम क्या करें, दुकान में बैठे रहेंगे और क्या करेंगे। जिस तरह से देखा जाए काफी फसलें अभी भी यहाँ पर है, तकरीबन 95% फसल आ ली है, लेकिन ओपन में माल 25-30% पड़ा है गवर्नमेंट के बाद। अगर बारिश आ जाती है, क्योंकि मौसम भी बेकार, अगर बारिश आ जाए तो फसलों का क्या हाल होगा? हमारे पास जो बाहर जाना है वो हम ढक देते हैं, खुले पड़े रहता है। कितने दिनों से यहाँ पर ये फसलें हैं? अभी हमारे पास पड़ी है 10 दिन से ये तुलना दो माल, ये जो फसल है यहाँ पर रखी हुई है 10 दिन से यहाँ पर है, पर अब तक इसकी उठान नहीं हो पाई है। भरा भी निकाह है। आज 1 गांठ मिली है, जिसमें आधा माल भरा जाएगा, आधा माल रह जाएगा पेंडिंग, उसके बाद फिर माल उठा तो है ही नहीं 12 तारीख से। माल अगर बारिश आ जाए तो जो फसल है फसल में तो नमी आ जाएगी, नमी आने के बाद फिर दिक्कत हो जाएगी। तरपाल रखते हैं, तरपाल रखते हैं, हमारे पास तरपाल है और कच्चे आदमी पास। मतलब जो सरकार बोल रही थी 72 घंटों के अंदर पेमेंट आएगी, फसल की उठान अच्छी होगी ना, वो कोई पेमेंट नहीं आई, 72 नहीं आ रही कोई पेमेंट। सरकार के जो बोल थे वो कहीं ना कहीं अधूरे रह गए। अधूरे, बिल्कुल अधूरे रह गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं उचाना मंडी की, ये तस्वीरें हैं जिला जींद की, ये तस्वीरें हैं। लगातार किसान अपनी अपनी फसल लेकर के पहुँच रहे हैं मंडियों के अंदर। बताया जा रहा है 95% जो फसल है वो यहाँ पर आ चुकी है, पर जो उठान है उठान में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जुड़े रहिए डीपी के न्यूज के साथ। मैं सनीनाथ, डीपी के न्यूज, धन्यवाद। राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें डीपीके न्यूज़।